सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CECSU MSU की BEd सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस सब्जेक्ट की थर्ड क्लास है, अधिगम के लिए आकलन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, एक लॉन्ग क्वेश्चन में जो आता है, मापन के उपकरण, मेजरमेंट टूल्स जिसे हम बोलते हैं। तो देखो, मापन दो प्रकार का होता है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है पिछली क्लासेज में। तो मापन के उपकरण की बात करते हैं। मापन के उपकरण दो प्रकार के होते हैं, मापन दो प्रकार का, तो उसके उपकरण भी दो प्रकार के, मात्रात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण। उनके बारे में पढ़ते हैं, पेपर में आ जाता है ये। तो मापन के उपकरण, मेजरिंग टूल जिसे हम बोल देते हैं, मेजरमेंट टूल जिसे हम बोल देते हैं, या मापन के साधन जिसे हम कह देते हैं। पेपर में साधन करके भी आ जाता है कि मापन के साधनों के विषय में लिखिए। देखो, मापन को हम जानते हैं, मापन क्या होता है, किसी भी वस्तु व्यक्ति की किसी भी विशेषता को हम निश्चित इकाइयों या कुछ प्रतीक प्रदान करते हैं, तो वो मापन होता है। अब देखो, मापन के हमारे पास कुछ उपकरण उपलब्ध होते हैं, कुछ विधियां उपलब्ध होती हैं जिनके द्वारा हम मापन कर सकते हैं। जैसे ये रहा हमारा तराजू, ये रहा हमारा मग आयतन मापने के लिए, ये हमारा जिसे हम फीटी बोल देते हैं हिंदी में, ये हमारा मेजरिंग टेप होता है, तो इस तरह से ये हमारी वेट मशीन होती है। तो मापन के हमारे पास काफ़ी सारे उपकरण उपलब्ध होते हैं। एक और मैं चीज़ बता देता हूँ आपको, जो तराजू होता है उसे हम बोलते हैं स्केल, बोलते हैं उसे स्केल। स्केल का मतलब जो वजन मापे। और जो हमारी फीटी होती है उसे हम बोलते हैं रूलर। रूलर का यूज हम दूरी मापने के लिए करते हैं, स्केल का यूज हम करते हैं भार मापने के लिए, किसी भी चीज़ का कितना वजन है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, हम इसे भी स्केल बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जनरली छोड़ो, कोशिश करो मत बोलो। ये क्या होता है, हमारा मेजरिंग टेप होता है, इंची टेप जिसे हम बोल देते हैं, मेजरिंग टेप। ये क्या होता है, हमारा मेजरिंग मग होता है, मेजरिंग कप जिसे हम बोल देते हैं, ये वेट मशीन होता है। तो इस तरह से हमारे पास उपकरण उपलब्ध होते हैं जिनके द्वारा हम मापन कर सकते हैं। अगर हम इन उपकरणों के प्रकारों की बात करें, ये आप स्वयं पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया है। अगर हम इन उपकरणों के प्रकारों की बात करें तो दो प्रकार के उपकरण होते हैं, मात्रात्मक उपकरण, गुणात्मक उपकरण। अब देखो, मात्रात्मक उपकरण तो वे उपकरण होते हैं जो मात्रात्मक मापन में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो सारे हैं ये मात्रात्मक उपकरण ही है। मात्रात्मक मापन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु में ऐसी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जिन्हें हम विभिन्न उपकरणों के द्वारा मापकर सीधा सीधा सा इकाई अंकों में बदल सकते हैं। तो ये जो उपकरण है उन उपकरणों को कहेंगे हम मात्रात्मक उपकरण। जितने भी ये उपकरण आपको दिख रहे हैं ये मात्रात्मक उपकरण होते हैं, जैसे संख्या, फीता, आईटी स्टैंड, वेट मशीन हमारी, तो वेट मशीन हमारी ये हो गई। संख्या हमारा किसी को 1 2 3 4 कहना, या फीता, फीता मतलब हमारी ये दूरी मापने वाली आ गए सारे। हाइट स्टैंड हमारा लंबाई ऊंचाई मापने वाले आ गए। वेट मशीन हमारा भार मापने वाले सब आ गए। तो ये जो है ये सब यहाँ पर आ गए हैं। किसी प्राणी वस्तु क्रिया की विशेषताओं को निश्चित संख्यात्मक इकाई अंकों में बदलने की प्रक्रिया को मात्रात्मक मापन कहते हैं। और मात्रात्मक मापन करने के लिए हम जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उन उपकरणों को मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। जैसे दूरी मापने के लिए फीते का प्रयोग करते हैं हम, भाप मापने के लिए भार, भार भार भाप नहीं भार, भार मापने के लिए हम वेट मशीन का प्रयोग करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक मुख्य रूप से छात्रों की संख्या, आयु, लंबाई, भार आदि विशेषताओं का मापन करता है। अतः विशेषताओं का मापन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ करते हैं, जैसे दूरी, निकट दूरी। और भी कुछ विशेषताएं हैं जिनका मापन विशेषज्ञ करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, किसी की निकट दूरी दृष्टि कितनी है, दूर दृष्टि कितनी है, श्रवण क्षमता कितनी है। इसके अलावा भी शैक्षिक गतिविधियों में दूरी, आयतन, तापमान आदि को मापने के लिए विभिन्न मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग होता है। तो ये कुछ मात्रात्मक उपकरण है, ये हैं, इनके नाम आप पेपर में उदाहरण के रूप में लिख देना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जनरली हम बच्चे की भार, लंबाई, उसकी अक्षमता वगैरह को मापने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं वे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, श्रवण क्षमता, कार्यक्षमता आदि को मापने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। और हम प्रैक्टिकल वगैरह जो करते हैं उस प्रैक्टिकल में भी काफ़ी सारी चीज़ों को मापने के लिए हम इन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम इन उपकरणों का प्रयोग इस तरह से करते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ये मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले मात्रात्मक उपकरणों के बारे में लिखिए, तभी जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने लिखा हुआ है हम ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ भी फिट बैठता है। अब गुणात्मक उपकरणों की बात करते हैं। अब देखो, एक होता है हमारा गुणात्मक मापन, मतलब
हमारी कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम सीधा सीधा सा देखकर अवलोकन कर उनका, या सीधा सीधा सा हम उन्हें विभिन्न उपकरणों के द्वारा माप कर इकाई अंकों में नहीं बदल सकते। उनका हमें अवलोकन करना होता है, दिमाग से समझना होता है, उसके बाद उन्हें कोई चिन्ह प्रदान करते हैं। निश्चित इकाई अंक प्रदान नहीं करते, कोई प्रतीक या कोई चिन्ह दे देते हैं अपने अनुसार। तो उस मापन को हम क्या कहते हैं? गुणात्मक मापन कहते हैं। अब गुणात्मक मापन के लिए जिन भी विधियों उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं उन उपकरणों को क्या कहेंगे? हम गुणात्मक उपकरण कहेंगे। जैसे कि हमें इस लड़की की बुद्धि का पता करना है, बुद्धि कितनी है, तो हम इस लड़की को कुछ कार्य करने के लिए कहेंगे। तो ये जब लड़की कार्य करेगी तब हम इसे अवलोकन करेंगे। तो हमारे पास उपकरण क्या हुआ? अवलोकन हुआ। हम इस लड़की का अवलोकन करेंगे और अवलोकन के द्वारा हम पता लगाएंगे कि इस लड़की में बुद्धि कितनी है। तो ये क्या हुआ? एक गुणात्मक उपकरण का, हमारा गुणात्मक मापन का एक उपकरण हुआ। यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि शिक्षण में प्रयोग होने वाले गुणात्मक उपकरणों के विषय में लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया में बहुत सी विशेषताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम विभिन्न उपकरणों के द्वारा सीधा सीधा सा माप कर निश्चित इकाई अंकों में नहीं बदल सकते, जैसे उसकी अच्छाई, बुराई, सुंदरता आदि। इन विशेषताओं का अवलोकन करना होता है हमें, उन्हें देखना समझना होता है, उन्हें अपने दिमाग से समझना होता है, और उसके बाद हमें उन्हें कोई विशेष चिन्ह या कोई प्रतीक प्रदान करना होता है। इस प्रक्रिया को हम गुणात्मक मापन कहते हैं, और जो उपकरण इस मापन में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें गुणात्मक उपकरण कहते हैं। तो गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं या गुणात्मक मापन क्या होता है हमारा? अगर हम किसी की सुंदरता को कहीं बहुत ज़्यादा है, किसी की सुंदरता को कहीं बहुत कम है, किसी की अच्छाई को कहीं बहुत ज़्यादा है, किसी की अच्छाई को कहीं बहुत कम है, तो ये क्या हुआ? गुणात्मक मापन हुआ। और इस मापन को करने के लिए जो जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं उन उपकरणों को हम कहेंगे गुणात्मक उपकरण। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की क्रियाओं, गतिविधियों, उपलब्धि, शैक्षिक योग्यताओं, बौद्धिक अक्षमता आदि का मापन करने के लिए विभिन्न गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इन उपकरणों के द्वारा शिक्षकों, प्रधानाचार्यों की भी योग्यता, व्यवहार आदि का मापन किया जाता है, जिससे हम उनकी अक्षमता का पता लगा सकते हैं कि कितनी प्रभावशीलता के साथ में अपना कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले कुछ गुणात्मक उपकरण निम्न वर्णित है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये गुणात्मक उपकरण हमारे प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला तो अवलोकन, इनके बारे में मैंने बीएड फर्स्ट ईयर में आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। जब मूल्यांकन वाला चैप्टर हम पढ़ाते हैं तो मूल्यांकन करने की विधियों में ये आते हैं हमारे ये सब। सबसे पहला अवलोकन है। अब अवलोकन क्या होता है? देखो शॉर्ट में आता है, तो शॉर्ट में हम सिर्फ इनके बारे में नाम नाम लिख देंगे कि ये कुछ उपकरण है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा से ये लिख देंगे। इनके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे जब परीक्षण वगैरह पढ़ेंगे, कि जो मूल्यांकन करने की तकनीकें पढ़ेंगे इनके बारे में वहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे हम कि ये सब क्या होता है। हल्का सा बता देता हूँ मैं अभी आपको। अवलोकन में हम क्या करते हैं? बच्चा कुछ काम करेगा, उसे देखेंगे, उसके द्वारा उसका मापन कर देंगे। साक्षात्कार में इंटरव्यू ले लेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। प्रश्नावली में भी कुछ क्वेश्चन आंसर बच्चे के साथ करेंगे हम। श्रेणी मापनी में हम क्या करेंगे? एक रेटिंग स्केल बनाएंगे, उस रेटिंग स्केल के पर बच्चे की रेटिंग ले लेंगे। बच्चों से कुछ कहेंगे कि आप ये चीज़ें बनाओ, मतलब आप पेंटिंग बनाओ, चार्ट बनाओ, फलाना बनाओ, ढिमक्का बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो बच्चे वस्तुएँ बनाएंगे, उन वस्तुओं को देख कर हम बता देंगे इसकी क्रिएटिविटी इतनी है, इसकी क्रिएटिविटी इतनी है। छात्रों संबंधी विद्यालय अभिलेख रिकॉर्ड्स, अब स्कूल कुछ रिकॉर्ड्स बनाता है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स डायरी, इसके अलावा भी काफ़ी रिकॉर्ड बनाता है एक स्कूल। उन रिकॉर्ड को देखकर भी हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं, या यही रिकॉर्ड भी हमारे जो मानसिक मापन है उसमें हेल्प करते हैं। प्रक्षेपीय तकनीक, हमने व्यक्तित्व वाले चैप्टर में पढ़ा था, बीएड फर्स्ट ईयर में व्यक्तित्व वाला चैप्टर हमने पढ़ा था अधिगम के लिए, जो हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम था उसका, साइकोलॉजी वाले, इसमें ग्रोइंग अप एज ए लर्नर में हमने पढ़ा था व्यक्तित्व वाले चैप्टर में कि बच्चे के व्यक्तित्व के मापन के लिए हमारे पास प्रक्षेपी तकनीक होती है, TAT, CAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, ये सब हमने पढ़ा था। तो वो सब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। परीक्षण, बुद्धि परीक्षण वगैरह वगैरह काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट होते हैं। सृजनात्मक परीक्षण हमने पढ़ा था, टोरेंस का सृजनात्मक परीक्षण होता है, बकार मेहंदी का एक परीक्षण होता है। तो काफ़ी सारे परीक्षण हमने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उनके द्वारा भी हम बच्चों का अब आकलन कर सकते हैं, और ये हमारा एक मानसिक मापन का उपकरण होता है। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, तो इस तरह के काफ़ी सारे परीक्षण होते हैं जिनका यूज करके हम इनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये आज का हमारे क्लास थी, आई होप इस क्लास को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बारे में आप और बेहतर जानना चाहते हैं तो आप बीएड के पेड नोट्स ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, इजी लैंग्वेज में आपको लिखे हुए पेड नोट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी।
सब इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें कवर कराया गया, ये आपके लिए काफ़ी होते हैं, ये पढ़ लीजिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तभी आज की हमारी क्लास थी, आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से आसानी से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।